अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना जलील और आप बिल्कुल देख रहे होंगे हमारा YouTube चैनल पकाओ दिल से। और ट्रेंडिंग में मैं देखती हूँ कि चीज़ें क्या आजकल चल रही हैं। तो आजकल ट्रेंडिंग में कढ़ाई चल रही है। कढ़ाई वैसे तो हमने आपको बहुत सारी बनाना सिखाई, लेकिन एक कढ़ाई में देख रही हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये सिंपल सी कढ़ाई बनाना सिखा दूँ। तो आज मैं आपको बनाऊँगी रेस्टोरेंट स्टाइल बजट में रहते हुए एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ी बटर चिकन कढ़ाई। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चीज़ी बटर चिकन कढ़ाई, चीज़ भी कौन सा, मोज़रेला चीज़। ये मैंने जो इसमें ऑयल डाला है ना, इसे मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। क्यों डाला है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे मक्खन डालना है ना, तो अगर ये नहीं डालूँगी तो ये मक्खन जलना शुरू हो जाएगा। ये गया इसमें बटर, ये गई इसमें प्याज, ठीक है, एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, और साथ ही इसमें ज़रा सा क्रश किया हुआ लहसुन, तकरीबन जैसे कि 2 जवे लहसुन के हम इसमें शामिल कर देंगे। सही, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्राई करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि हमें ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, जस्ट ऐड हल्का सा इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ऐड टमाटोज जो कि 3 बड़े ले लीजिएगा, वो डाल दिए इसमें। एक डालेंगे इसमें हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़रा भरपूर अंदाज में, ये चला गया। इसके बाद इसको हम करेंगे मिक्स और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, कवर कर देंगे हम इसको। बाकी के इंग्रेडिएंट हम बाद में डालेंगे, चिकन में पास रखी हुई क्या कुछ और जाएगा ये आपको हम बताते हैं। पहले इसको हम कवर करें, जस्ट 5 मिनट्स के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। टमाटर चूँकि गले में ही है ना, तो ऐसा हमें इसको इतना कुक करने की ज़रूरत थोड़ी है। कोई ये देखें, इसमें से थोड़ा सा जो बटर हमने इसमें ऐड किया था वो थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू किया। नाउ ऐड द चिकन, ये चिकन हमारे पास 1/2 kg, ये दे इसके अंदर चिकन, चिकन के मीडियम साइज़ के हमारे पास पीसेज हैं, और आप देख रहे हैं मसाला कितना अच्छा सा ये होना शुरू हो गया है। अब बाकी आती है बारी, इसमें डालेंगे हम नमक जायके के मुताबिक, यानी 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये गया, और थोड़ा सा यानी पिसा हुआ धनिया हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। इसको मैं मिक्स करती हूँ, इसमें हम कोई लाल मिर्चें नहीं डालेंगे, लेकिन हरी मिर्चें तो डालेंगे इसमें, कौन सी जाएंगी, इसमें जाएंगी कुटी हुई काला मिर्च, ये जाएगी इसमें। अभी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून दही, 1 तकरीबन 2-3 टेबल स्पून, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 स्पून है, तो हम मिक्स कर देते हैं। अच्छा, कुछ हमें ज़रूरत नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा भूने, अगेन मैं इसको कवर करूँगी और उसको पकने दूँगी, इसी में ये चिकन गलेगी, जब गलेगी तो हम इसको खोलेंगे, खोल के अगेन हम इसको भूनेंगे और फिर क्या कुछ डालेंगे ये बस आप देखिएगा। मैं 10 मिनट्स के लिए इसको अब कवर करूँगी। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी सी आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा खोल लिया। अब करेंगे हम इसकी थोड़ी, ओ बटर की इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, अब आप देखिए मसाला इसमें आ गया, ये नहीं कि मसाला नहीं है इसमें, बहुत अच्छा सा मसाला भी है इसके अंदर। अब मैं डालूंगी इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स, नमक इस स्टेज पे आप चाहें तो टेस्ट के लिए, अच्छा मेरे पास चूँकि सॉल्टेड नमक बटर था तो इसलिए मैंने इसमें नमक कम डाला है। अगर आप वाइट वाला डालते हैं तो उसमें आपको, यानी जो अनसॉल्टेड होता है, तो फिर आप इसमें और भी डाल सकते हैं। अब हरी मिर्चों को चाहें तो आप 2-2 पीसेस भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इसको कर लेती हूँ ये इस तरह से कर, ठीक है, ये सारी हरी मिर्चें जो हैं ऐसे डाल देते हैं। यू कैन ऐड मोर कुटी हुई काली मिर्च, वंस अगेन पहले मैंने डाला था इसके अंदर तकरीबन 3-4 टीस्पून, अगेन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून मिक्सड, इसका यही कलर होगा, और चीज़ की वजह से हमने इसमें बटर की मकदार को नॉर्मल रखा है,
और बटर वैसे भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता है। और ये गया इसमें मोज़रेला चीज़, ये इस तरह से करके डाल के ना 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। ये हाफ अ कप था, जस्ट कवर इट और 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको डिश आउट करूँ। 2 से 3 मिनट के बाद ये है, क्या ज़बरदस्त हो रहा है ये। और ये आप देख सकते हैं ये इसकी स्ट्रिंग्स जो है ना ये बन गए, ये देखा आपने, ये बनेगी मोज़रेला चीज़ से। आपको पता है जैसे मोज़रेला चीज़ हम पिज़्ज़ा में डालते हैं, वाह ज़बरदस्त। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा जैसे ये बिल्कुल गर्मा गर्म हो आपकी कढ़ाई, तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, यानी ऊपर से भी डाल सकते हैं। बट क्या था, इससे क्या थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कलर आता है। इंजॉय कीजिएगा अपने तमाम घर वालों के साथ, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।